हरे कृष्णा। तो लीजिए पार्ट टू आपके लिए आ गया है और यहाँ पे मम्मी मंडप के पूजन कंप्लीट कर चुकी हैं और अब हल्दी की तैयारी हो रही है। तो यहाँ इस मैसे मंडप में बांधते हैं। मम्मी यहाँ पे तिलक कर रही हैं, जिस पे मम्मी तिलक करे इसको छपनी बोलते हैं। और ये जो लकड़ी का आप देख रहे हैं ये तोता होता है। इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है और मुझे भी ज़्यादा मालूम नहीं है। तो ये मंडप में बांधा जाता है। कहते हैं तोता उड़कर आता है और बैठता है, ऐसे कुछ सुना है बट नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज़ की पूजा हो रही है और ये मंडप में फिर बांधा जाएगा। तो इस तरह से इसकी पूजा, अब पंडित जी यहाँ पे ये देखिए छपनी को बांध रहे हैं। छपनी एक आगे होता है और एक पीछे होता है और इसको शायद देवता बोलते हैं। ज़्यादा नॉलेज नहीं है फ्रेंड्स, जितना पता है उतना आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि म्यूज़िक नहीं वॉइस ओवर करके वीडियो डालिए क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसीलिए आप लोगों के लिए वॉइस ओवर कर रहे हैं। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपने राधा कृष्ण की शादी दोबारा क्यों करी। फ्रेंड्स मेरी इच्छा थी सो हमने करी है। और राधा कृष्ण की शादी हुई थी या नहीं हुई थी, पहले आप ग्रंथ पढ़िए। गर्ग संहिता में राधा कृष्ण जी का पूर्ण विवाह का पूरा वर्णन है, आप उसको पढ़िए। भांडीर वन में राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, ब्रह्मा जी ने उनका विवाह करवाया था और नारद जी ने कन्यादान किया था। तो राधा कृष्ण की शादी हुई थी और हमने अपने राधा कृष्ण की शादी दोबारा इसीलिए करवाई क्योंकि मेरी इच्छा थी। तो यहाँ पर फाइनली फ्रेंड्स मंडप पूरी तरह से तैयार हो चुका है और तोते को भी पंडित जी ने इस तरह से बांध दिया है, मौली से यानी रक्षा सूत्र से बांध दिया है। इससे पहले का जो पार्ट था उसमें नॉर्मल मंडप की पूजन की गई थी, गणपति जी का आवाहन हुआ था और सत्यनारायण भगवान की कथा और हवन हुई थी। और यहाँ पर अब देखिए हल्दी की तैयारी हो रही है। ये 5 खड़ी हल्दी ली गई है जिसे सिंदूर से टीका जाता है यानी तिलक किया जाता है और इसके बाद में सिल बट्टे पर इसे इस तरह से तोड़ा जाता है यानी कि पीसा जाता है। उसके बाद राधा कृष्ण यानी दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है। तो इस तरह से हल्दी को अच्छे से तोड़ लिया जाता है, बहुत ही बारीक आपको पीसना है और उसमें फिर गुलाब जल, चंदन पाउडर ये सब मिक्स किया जाता है। तो मम्मी ने फाइनली ये 5 सुहागने करती हैं। तो यहाँ पर अब चाची इस तरह से हल्दी को पीस रही हैं और हल्दी पीसते टाइम आंचल में गुड़ या लड्डू या कुछ मीठा लेकर ही हल्दी पीसते हैं। और जब हल्दी पीसते हैं तो जब नेक्स्ट दूसरी लेडी आती हैं तो सिलबट्टे को छोड़ते नहीं हैं, वो साथ में साथ पकड़े रहते हैं और नेक्स्ट फिर हाथ लगा देता है तो दूसरा छोड़ता है। तो इस तरह से हल्दी को पीसते हैं। और जो भी हम लोग करते हैं, कोई दिखावा हमने नहीं किया है, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी तभी वीडियो आप लोग के लिए बनाई गई है और आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने जो भी किया है पूरे रीति रिवाज के साथ पारंपरिक तौर से राधा कृष्ण का हमने विवाह करवाया है अपने यथा सामर्थ्य अनुसार। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हल्दी की कुटाई हो रही है यानी हल्दी को पीसा जा रहा है और अभी यहाँ पर पानी डालकर अच्छे से हल्दी को पीसेंगे। तो अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो, कमेंट्स करके ज़रूर बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हल्दी पीसा जा रहा है और इसे पाउडर फॉर्म में बना दिया जाएगा। अब यहाँ पर मौसी ये देखिए मिठाई आँचल में ले रही हैं। आँचल में ही मिठाई ले ली जाती है यानी कुछ मीठा आँचल में लेकर रख लिया जाता है और उसके बाद हल्दी को पीसा जाता है। इसे 5 सुहागन औरतें करती हैं और उसके बाद सारे लोग, जितने लोग घर में होते हैं सभी हल्दी लगाते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। भगवान जी की शादी है तो हर कोई यहाँ पर हल्दी लगाएगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी तो कुछ स्किप करके आपको हम वीडियोस के क्लिप दिखाएंगे कि किस तरह से हल्दी की सारी रस्में की गई हैं। फुल वीडियो को वॉच करना वरना आप कुछ भी मिस कर दोगे, फिर आप समझ नहीं पाओगे कि क्या हुआ क्या नहीं। अब यहाँ पे हमारे घर के देवता जो होते हैं यानी कि जो आपके घर के देवता होते हैं उनको बांधा जाता है यानी उनको बुलाया जाता है। तो ये देखिए मम्मी यहाँ पे कलश में देवता का आवाहन कर रही हैं और ये हमारे घर के देवता हैं जिनको बुलाया जाता है विवाह में, तो वो उनको स्थापित किया जा रहा है और उनकी पूजा विधि ये हो रही है। ये देखिए
ये जब बारात चली जाती है यानी बारात विदा हो जाती है उसके बाद खोल दिया जाता है ताकि कुछ भी रस्म होती है ज़्यादा नहीं पता है, आपके घर में शादी होती होगी हुई है तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे देवता का आवाहन हो चुका है और उनको बुला लिया गया है और अब यहाँ पर देवता की पूजा की जाएगी जो कि घर के देवता होते हैं। यहाँ पे देखिए कोबर बनाया गया है जहाँ पे देवता को बुलाया जाता है, तो ये कलश में देवता को आवाहन हुआ है और कोबर बनाया गया है, यहाँ पे कोबर की पूजा हो रही है और ये सिलबट्टे पर ही देवता बांधे जाते हैं यानी जो घर में सिलबट्टा होता है जिसपे आप मसाले पीसते हैं उसी पर देवता को बुलाए जाते हैं। तो ये वो चीज़ है, यहाँ पर प्रॉपर पारंपरिक पूजा की जा रही है और देवता का यहाँ पे फाइनली पूजा कर दी गई है और देवता का आवाहन हो चुका है कोबर में और अब यहाँ पे राधा कृष्ण को बुलाया गया है मंडप में और अब इनको हल्दी लगाई जाएगी। अभी राधा रानी की शादी नहीं हुई है तो इसलिए अभी राधा रानी कान्हा जी के दाहिने भाग में विराजेंगी, विवाह के बाद वाम भाग में विराजेंगी, तो अभी राधा रानी इसलिए दाहिने साइड में बिठाई गई हैं और राधा रानी को अभी विवाह चौकी पर ही बिठाया जाता है यानी कि ये जो लकड़ी का पाटा देख रहे हो ये विवाह चौकी है। और अब यहाँ पर दूर्वा घास या फिर आप पान पत्ता ले सकते हो और उसके थ्रू आप प्रॉपर अच्छे से हल्दी का उपटन बनाकर राधा कृष्ण को लगाइए यानी दूल्हा दुल्हन को आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने राधा कृष्ण को मम्मी यहाँ पे हल्दी लगा रही हैं और हल्दी में आप गुलाब जल चंदन पाउडर जो भी अच्छा आप इसमें मिक्स कर सकते हैं करिए और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपको पार्ट सेकंड कैसा लगा। अभी तक उतने अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं जितनी रिक्वायरमेंट लोगों की थी, जितनी रिक्वेस्ट आ रही थी वीडियो डालने की उस तरह से अभी व्यूज़ वीडियोस पर नहीं आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को वॉच करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, एडिटिंग आपको कैसी लगी, सारा कुछ आप वीडियोज़ के कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर पूजा हल्दी लगाई जा रही है, मम्मी राधा कृष्ण को हल्दी लगा रही हैं और चुमावन की विधि होती है जिसमें चांदी की पायल या चांदी का कुछ भी आप नया ले सकते हैं और दूर्वा घास या पान लेकर हर सिर से पैर तक चुम्मा जाता है। इस तरह से यहाँ पे चाची या फिर राधा कृष्ण को चुमावन की विधि कर रही हैं। यहाँ पे हमारे पास जो बाल रूप में राधा कृष्ण हैं उनको प्रॉपर हल्दी लगाई जा रही है क्योंकि मार्बल का विक्रय है, उसमें हल्दी अगर लगेगी तो ख़राब होने का डर है, इस वजह से बाल रूप में राधा कृष्ण जो घर में विराजमान हैं हल्दी की रस्म उनके साथ की जा रही है और चुमावन की विधि बड़े वाले के साथ की जा रही है। तो यहाँ पे चाची इस तरह से राधा कृष्ण को प्रॉपर हल्दी लगाकर चुमावन की विधि कर रही हैं। ये 7 या 5 या 9 आपके अकॉर्डिंग है कितने जितनी लेडीज़ लगा सकती हैं और उसके बाद फिर घर में जितने भी जेंट्स हैं लेडीज़ हैं जो भी लगाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग हल्दी लगा सकते हैं। तो इस तरह से राधा रानी को यहाँ पे हल्दी लगाई जा रही है और ठाकुर जी को हल्दी लगाई जा रही है और सभी ने पीला वस्त्र धारण कर रखा है। ये देखिए अब यहाँ पर चुमावन की विधि हो रही है, चांदी का पायल लेते हैं, जो भी लेते हैं नया लेते हैं, भगवान का काम है तो यहाँ पे नया लेकर के यहाँ पे चुमावन की विधि की जाती है। और अब यहाँ पे मौसी राधा कृष्ण को प्रॉपर हल्दी लगा रही हैं। इस तरह से जो हल्दी पीसती हैं वही हल्दी पहले लगाती हैं, तो यहाँ पे जितने लोगों ने हल्दी पीसी थी 5 लोगों ने हल्दी पीसी है और 5ों ने यहाँ पे राधा कृष्ण को पहले हल्दी लगाई है फिर बाकी के घर के सदस्य ने हल्दी लगाई है। तो और ये जो कलश के ऊपर दिया जलाया जाता है ये तब तक जलना चाहिए, अखंड दिया होता है जब तक लड़की की विदाई हो नहीं जाती है और ये तब तक यहाँ पे दिया जलता रहता है। तो मंडप फाइनली तैयार हो चुका है और यहाँ पे राधा कृष्ण को हल्दी लग चुकी है और अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में मेहंदी कैसे हुई है और किस तरह से मेहंदी को की गई है। और अभी ये पार्ट ख़त्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर अभी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अब इस तरह से हल्दी घर के जितने भी सदस्य हैं सब लोग लगा रहे हैं और बहुत सारे लोग जो रिलेटिव रिश्तेदार आए थे सब वीडियो कॉल पर जुड़े हुए थे, एक दूसरे को वीडियो कॉल पर यहाँ पर शेयर कर रहे थे क्योंकि ये भाग्य होता है कि हम अपने राधा कृष्ण यानी ठाकुर ठाकुरानी का विवाह उत्सव देख सकें। तो जो नहीं आ सकते थे उन्होंने वीडियो कॉल पर इस मोमेंट को कैप्चर किया अपनी आँखों में और अगर आप भी नहीं आ पाए हो तो इस वीडियो के माध्यम से अपने आँखों में कैप्चर कर लो, ये बहुत ही खास पल था हम लोगों की लाइफ का
और हम लोगों ने इस पल को बहुत ही अच्छे से इंजॉयमेंट किया, बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। तो यहाँ पे हल्दी की रस्म हो चुकी है और सभी लोगों ने प्रॉपर राधा कृष्ण को हल्दी लगा दी है और अब दूल्हा दुल्हन को यहाँ पे कंकन बांधा जाता है, जो बांधने के बाद दूल्हा दुल्हन घर से बाहर नहीं निकलते हैं और हल्दी के बाद दूल्हा दुल्हन नहाते नहीं हैं हमारे यहाँ, तो इनको नहलाया नहीं जाएगा। और यहाँ पे अब देखिए मम्मी यहाँ पे कृष्ण भगवान को यानी हमारे ठाकुर जी और ठाकुरानी यानी श्री जी को कंकन बांधने वाली हैं, जिसमें कि हल्दी की गांठ होती है, सुपारी होता है, कुछ लोहे का होता है जो कि कंकन बांधा जाता है। तो यहाँ पे ये मम्मी देखिए ठाकुर जी को कंकन बांध रही हैं और कंकन भी बहुत ही प्यारा बना हुआ है। इस तरह से दाहिने हाथ में ठाकुर जी के और बाएं हाथ में श्री जी यानी कि लेडीज़ के हाथ में कंकन बांधा जाता है। और ये कंकन विवाह के बाद जब दुल्हन घर आ जाती है, माड़न पूजन हो जाता है, उसके बाद कंकन को खोला जाता है। तो इस तरह से कंकन को बांध दिया गया है और अब हमारे ठाकुर जी और ठाकुरानी कुबेर में जाएंगे और उसके बाद वो तैयार होकर ही बाहर आएंगे, घर से बाहर अब वो नहीं जा सकते, यानी कि कंकन बनने के बाद दूल्हा दुल्हन घर से बाहर नहीं जाते हैं। तो ये इस तरह से हल्दी की रस्म की गई है और इस तरह से अब दूल्हा जब नहाएगा उसके बाद उस पानी से दुल्हन को नहलाया जाता है। तो बट अभी क्या है कि इस ज़माने में बारात बहुत लेट आती है तो दुल्हन तैयार हो जाती है, उसके बाद दूल्हे का पानी आता है, उसे छींटा मारा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर कंकन बांध दिया गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसा लगा। अब मिलते हैं थर्ड पार्ट में कि राधा रानी की मेहंदी की रस्म